देखो ये अकेले दिग्विजय सिंह जी का सोच नहीं है, वैक्सीन के प्रति भ्रम पैदा करना ये उनकी सोच नहीं, यही है। आज तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, ये चम्मच चुपका रहे। उधर सिमी के आतंकवादी मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे, हमारा धर्म ऐसी इजाजत नहीं देता। जिन विषयों पर वैज्ञानिकों का गर्व का विषय है भारत का, ये भारत विरोधी सोच है, चाहे सिमी की हो और चाहे दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह परिवार का विरोध कर रहे हैं 370 का विरोध उनके परिवार के अंदर है, वो अलग बात है, पर मैं उसको अलग दृष्टि से देखता हूं। दरअसल 370 हटने के बाद से कश्मीरी पंडित जो हिंदू लोग हैं, वो उन्होंने वहां पर अपने आप को स्थापित करने का सोचा। देश के व्यापार से कश्मीर जुड़ रहा था तेजी के साथ में, वही भ्रम दिग्विजय सिंह को हो गया कि ये चले ना जाएं कहीं, हिंदू वहां पर बस ना जाएं, और उन्होंने उनके मन में एक भय पैदा कर दिया कि जब कांग्रेस आएगी तो 90 जैसा कत्लेआम होगा। अज्ञात आशंका से हिंदुओं को ग्रसित कर दिया और कश्मीर को पुनः उन्होंने देश से काटने का ये प्रयास उनका है। उनका प्रयास कोई 370 में नहीं है, उनका प्रयास हिंदुओं में भय पैदा करना है। लगातार कोरोना के क्षेत्र में काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 242 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 516 लोग गए। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कुल 3941 ही बचे हैं। अब पॉजिटिविटी रेट हमारी अब 1% नहीं रही, माइनस में चली गई है, 0.34 रह गई है। अगर हम इसको रिकवरी रेट की ओर देखेंगे तो रिकवरी रेट हमारी 98.41% हो गई, लेकिन कोई ढील नहीं और सावधानी में कोई कमी नहीं। जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सोच है कि कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमने कल भी 69,202 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए हैं। 18 जिले ऐसे हैं, कल यहां एक भी प्रकरण नहीं आया कोरोना का, जिसमें दतिया भी शामिल है, कोई भी प्रकरण उसमें नहीं आया है। आगे देखो, भाव के ऊपर रहता है विषय। मोहन भागवत जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। हम कोई मुसलमान विरोधी थोड़ी है। दिग्विजय सिंह से उनके बयान की क्या तुलना करना, ये तो हिंदुओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो कश्मीर में जाके जो निर्वासित हैं वहां से निष्कासित हैं वो फिर बस न जाएं। 370 हटने के बाद उनके मन में एक अच्छा भाव आया था, ये उसमें भय पैदा करना चाहते हैं और भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो फिर 90